वेलकम टू स्टडी गो विजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, और इस स्कूल से जो भी सवाल जवाब आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, डिस्क्रिप्टिव पेपर में, वो सारे के सारे आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात की थी, जहां पर लॉ को एज अ कमांड ऑफ सोवरेन ट्रीट किया गया था और लॉ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में डिफाइन किया गया था। बट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लॉ होता है, जो लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके ओरिजिन, डेवलपमेंट और उनमें जो भी चेंज हो रहा है उसकी स्टडी की जाती है। स्टेट और लॉ के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाता है इस स्कूल में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि लीगल हिस्ट्री नाम से भी एक चीज है और ये हिस्टोरिकल स्कूल भी है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, मतलब ये एक जैसे लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो आपका लीगल हिस्ट्री होता है उसमें क्रोनोलॉजिकली जो भी आपका लॉ है, जो वेरियस लीगल इंस्टीट्यूशन है, उनके डेवलपमेंट को फैक्चुअली नरेट किया गया होता है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इस स्कूल के जो समर्थक हैं उन्होंने ग्रोथ ऑफ लॉ को हर परिस्थितियों में रखकर इस स्कूल के तहत बताया है। द मैनर, सर्कमस्टांसेस एंड फैक्टर्स जो ग्रोथ ऑफ लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम किस तरह से जो लॉ है वो इम्पैक्ट होता आ रहा है, कस्टम और ट्रेडिशन का ग्रोथ ऑफ लॉ में क्या रोल रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में। मेनली इस स्कूल का मानना ये है कि जो लॉ है वो बनाया नहीं गया है, लॉ इज फाउंड नॉट मेड, इसी कॉन्सेप्ट पे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आधारित है। इस स्कूल वालों का ये मानना है कि जो लॉ है वो सोसाइटी के लॉन्ग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का आउटकम है, क्योंकि जो लॉ है वो ओरिजिनेट हुआ है सोशल कस्टम से, कन्वेंशन से, रिलीजियस प्रिंसिपल से, इकोनॉमिक नीड से, और लोगों के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं उनसे ही आपका जो लॉ है वो ओरिजिनेट हुआ है। इस स्कूल वालों का ये मानना था कि पुराने टाइम पर कोई ऐसा पर्सन नहीं होता था जिसको हम सोवरेन कह सकते हैं, जो कि लॉ का निर्माण करता हो, मतलब सोवरेन भैया एग्जिस्टेंस में नहीं थे पुराने टाइम। तो बेसिकली लॉ आता कहाँ से था? लॉ आता था पीपल की जनरल कंशाइंसनेस से, जिसको जो सेवनी है इस स्कूल के एक्सपोनेंट, उन्होंने नाम दिया है वॉग जीस का, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉन्टेस्क्यू की, अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सपोनेंट बताया हिस्टोरिकल स्कूल के और उनमें ये तो थे ही नहीं, तो फिर क्यों इस बंदे के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। एक्चुअली इन्होंने जो फ्रांस था ना, वहां पर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन ले डाउन की थी, इसलिए हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इनका कुछ इंपॉर्टेंस है थोड़ा बहुत। और इस विषय में जानकारी हमें मिलती है एक बुक से जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने ही लिखी है, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1748 में। और इस बुक में ही मॉन्टेस्क्यू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी सिस्टमैटिकली प्रपाउंड किया था। जो मॉन्टेस्क्यू थे, इनका ये मानना था कि ये चीज डिस्कस करना कि जो लॉ है वो गुड है या बैड है बिल्कुल ही रेलेवेंट है, क्योंकि लॉ का गुड होना, लॉ का बैड होना सोसाइटी में प्रिवेलिंग सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे कि जो आपके SC ST हैं, OBCs हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के प्रोविजन है। अब EWS को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ये चीज क्यों की जा रही है, मतलब रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, ये जो सोसाइटी में उनकी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी वजह से रिजर्वेशन के रिगार्डिंग लॉज वगैरह बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर लॉ कोई लाया गया है या फिर कोई लॉ हटाया गया है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सोसाइटी में जो भी कंडीशंस हैं, जो सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। और इसी कंटेक्स्ट में मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि जो लॉ है वो विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी बदलता है। जो आजकल लॉ बन चुके हैं उन लॉज की हम कल्पना पुराने टाइम पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुराने टाइम पर वो सोसाइटी को चाहिए ही नहीं थे। लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गए, स्पोर्ट्स लॉ हो गए, स्पेस से रिलेटेड लॉज हो गए, ये सब पुराने टाइम पे हम सोच भी नहीं सकते थे।
बट आज के टाइम पे ये एग्जिस्टेंस में है, कॉपीराइट वगैरह ये सब लॉस। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नीड बदल रही है, इसलिए ऐसे लॉस की जरूरत पड़ी और ये लॉस बने। और कई लॉस ऐसे भी होते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में फिट नहीं बैठते, इसलिए उनको हटा दिया जाता है, उनको रिपील कर दिया जाता है। तो सब कुछ लॉ का बनना, समाप्त होना सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो व्यूज मॉन्टेस्क्यू ने दिए। नेक्स्ट एक्सपोनेंट है एडमंड बर्क, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम आप नोट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन रिवोल्यूशन इन फ्रांस। इस बुक में इन्होंने जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था उसका लॉ के ग्रोथ में किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशन को डिनाई कर दिया था, बल्कि इन्होंने कहा था कि जो लॉ का ग्रोथ हुआ है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज ने, कस्टम ने, ट्रेडिशन ने, हैबिट्स ने, रिलीजन ने। और इस तरह से जो लॉ का इवोल्यूशन होता है उसको एडमंड बर्क ने कहा कि ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, और ये एक्सप्रेशन है पूरी कम्युनिटी के कॉमन बिलीफ, फेथ और प्रैक्टिस का। और एडमंड बर्क के व्यूज को सपोर्ट किया सर फेडरिक पॉलक ने और शेलिंग एंड ह्यूगो ने। हिस्टोरिकल स्कूल के अगले समर्थक हैं सेवनी, जिनको हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है। और इस चीज के अलावा आपको पता ही होगा चार्ल्स डार्विन के बारे में, जिन्होंने विकासवाद के सिद्धांत वगैरह दिए थे, जिन्होंने इवोल्यूशनरी थियोरीज दी थी। तो जो इवोल्यूशनरी थियोरी थी उनको सेवनी ने लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट में अप्लाई किया, और इस तरह से लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट को बताया, जिसकी वजह से जो डॉक्टर एलन है इन्होंने सेवनी को नाम दिया डार्विनियन बिफोर डार्विन का, और ये चीज अक्सर आपके प्री एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्टली जो सेवनी थे इन्होंने कई बुक्स लिखी, जिनमें से आप याद कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेस एंड सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। नेक्स्टली सेवनी का ये कहना था कि जो लॉ है उसको बनाया नहीं गया है, बल्कि उसे फाउंड किया गया, उसको डिस्कवर किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का इन्वेंशन कर दिया जैसे, बल्कि ये पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, इसको हमने खोजा, इसको हमने फाउंड किया। और इस कंटेक्स्ट में इनका ये कहना था कि जो लॉ है वो डेलिब्रेट लेजिस्लेशन से नहीं खोजा गया है, बल्कि ये प्रोडक्ट है जनरल कंशाइंसनेस ऑफ द पीपल का। जो जनरल कंशाइंसनेस होती है पीपल की, उसका ये प्रोडक्ट है, उसका आउटकम है ये। तो इस तरह से जो लॉ है उसकी आधारशिला क्या है, उसकी आधारशिला है लोगों की कंशाइंसनेस, कस्टम, बिलीव्स, हैबिट्स, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। और जो भी जनरल कंशाइंसनेस होती है पीपल की, इसको सेवनी ने वॉगजिस का नाम दिया। और इस थियोरी को साइट करते हुए सेवनी ने कहा कि जो लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं होता है नेचर में, बल्कि ये लैंग्वेज की तरह होता है, जो पीपल टू पीपल एंड एजेस टू एजेस वैरी करती है। इट मींस कि जो लॉ है वो लैंग्वेज की तरह डेवलप करता है, क्योंकि जो लॉ है वो बेस्ड होता है कॉमन पीपल की जनरल विल पर, कॉमन पीपल की फ्री विल पर। और कॉमन पीपल की इसी जनरल विल को सेवनी ने नाम दिया वॉगजिस का, और ये कहा कि जो वॉगजिस है ये यूनिक, अल्टीमेट और मिस्टिकल रियलिटी है, जो कि लोगों की बायोलॉजिकल हेरिटेज से लिंक होती है। और इसी कंटेक्स्ट में जो लॉ है उसको सेवनी ने दे दिया नेशनल करैक्टर, और कहा कि जो लॉ है उसका नेशनल करैक्टर होता है, क्योंकि जो लॉ है वो नेशन के साथ ही क्या करता है, ग्रो करता है। और जैसे ही जो नेशन है वो डिसॉल्व होता है, जैसे ही जो नेशन है वो अपनी नेशनैलिटी को लूज करेगा, वैसे ही जो लॉ है वो भी उसके साथ साथ खत्म हो जाएगा, वैसे ही लॉ का खात्मा हो जाएगा। और इसी वजह से सेवनी ने कहा कि जो लोग लॉ, लैंग्वेज, कस्टम और गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, उनका उस लॉ, लैंग्वेज, कस्टम और गवर्नमेंट से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और इसके अलावा जो सेवनी है उनका ये मानना है कि जो जनरल विल होता है लोगों का, जिसको सेवनी ने नाम दिया है वॉगजिस्ट का, उसके कन्फर्मिटी में ही सारे के सारे लॉज होने चाहिए। तो इस तरह से सेवनी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि जो कस्टम होता है वो लेजिस्लेशन को प्रिसीड करता है, जो लेजिस्लेशन है वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस के कन्फर्मिटी में होने चाहिए, कस्टम लेजिस्लेशन से सुपीरियर होता है। तो इस तरह से सेवनी की जो थियोरीज है उनमें कस्टम को सबसे ज्यादा सुपीरियर पोजीशन पर रखा गया है।
तो ये तो थी सेवनी की वॉकजिस थ्योरी, जिसके तहत सेवनी ने ये कहा था कि लोगों की जनरल कंशाइंसनेस जो होती है उसी से निकलकर आता है लॉ, यानी कि जो लॉ होता है वो प्रोडक्ट होता है लोगों की जनरल कंशाइंसनेस का। और लोगों की इस जनरल कंशाइंसनेस को, इस जनरल विल को सेवनी ने वॉकजिस का नाम दिया था। और ये जो जनरल कंशाइंसनेस होती है ना, ये बेसिकली बेस होती है लोगों के कस्टम्स पर, लोगों के ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, हैबिट्स एंड बिलीव्स पर। तो इस तरह से इस थ्योरी के तहत तो सेवनी इस बात पे ज्यादा जोर देते थे कि जो वॉकजिस्ट है ना वो ही क्या है, लॉ का सोर्स है। तो अब अगर हम देखें इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म, तो पहला क्रिटिसिज्म यही निकल कर आता है कि जो वॉकजिस्ट है सिर्फ वही लॉ का इकलौता सोर्स नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख सकते हैं जुडिशियल प्रिसिडेंट और लेजिस्लेशंस वगैरह जो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं लॉ मेकिंग में, तो उनको सेवनी की थियोरीज में पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। हालांकि थोड़ी बहुत जगह भी अगर दी गई है तो उनको कस्टम के सबॉर्डिनेट कर दिया गया है। और सेवनी का ये कहना कि जो लॉ होता है वो आउटकम होता है लोगों की जनरल विल का, लोगों की कंशाइंसनेस का। इस तरह से जो कस्टम है वो हमेशा निकल कर आता है कहाँ से, लोगों की नीड से, लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से ही जो कस्टम है उनका जन्म होता है। तो ये चीज भी कुछ हद तक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टम ऐसे होते हैं जो रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा लोगों के ऊपर विदाउट देयर विल क्या कर दिए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं। और साथ ही ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक कम्युनिटी में मान लो कोई कस्टम प्रिवेल कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उस कम्युनिटी के सभी लोगों का उस कस्टम के रिगार्डिंग सेम ही व्यू हो, उनकी डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकती है। और इस डिफरेंट ओपिनियन को पूरी तरीके से सेवनी ने नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने तो बस ये कह दिया कि जो लॉ है वो जनरल विल जो होती है लोगों की उसका आउटकम है। अब यहाँ पर इन सब चीजों के अलावा आपने एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि जो सेवनी थे वो जर्मन लॉ के कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे, इस चीज के पीछे कहानी क्या थी, वो मैं अपने शब्दों में आपको बताऊंगी, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो हुआ ये था कि एक बार की बात है, जो जर्मनी था वहां पर जो नेचुरल लॉ था उसकी सिग्निफिकेंट हो गई थी खत्म। नेचुरल लॉ को सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की तरह देखने लग रहे थे लोग कि इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, ये तो इमेजिनरी है बस और कुछ नहीं है ये। तो अब आता है वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो ये देखता है कि जर्मनी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अपने फ्रेंच पॉलिटिकल रेजिम के अंदर कर लेता हूँ। और इस चीज को करने के लिए जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने पहला अटेम्प्ट ये किया कि जो जर्मनी के एलियन थे, वो वाले एलियन नहीं, एलियन का मतलब आपने इंटरनेशनल लॉ में पढ़ाई होगा, तो जो जर्मनी के एलियन थे उनके ऊपर नेपोलियन ने नेपोलियन कोड लगा दी। तो इस तरह से जो भी जर्मनी के एलियन के पॉलिटिकल और लिबर्टी वाले राइट्स थे उनको क्या कर दिया, उनसे उन्हें डिप्राइव कर दिया। तो इन चीजों को देखते हुए जो सेवनी थे उनको ये चीज रियलाइज हुई कि अगर जो जर्मनी है उसके लॉज का उसी तरीके से कोडिफिकेशन अगर किया जाए जैसे कि जो नेपोलियन कोड का कोडिफिकेशन हुआ है, तो तब क्या होगा, जो जर्मनी का कल्चर है, हेरिटेज है, लैंग्वेज है जर्मनी के लोगों की, वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सेवनी थे वो जर्मन लॉ के कॉडिफिकेशन के टोटली अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि उस टाइम पर जो सरकमस्टांसेस चल रहे थे उनको देखते हुए उनका ये कहना था कि अभी सही नहीं है जर्मनी के लॉ का कॉडिफिकेशन किया जाना, क्योंकि अभी तो जर्मनी कई टुकड़ों में डिवाइड हो गया है और यहाँ जो भी लॉज है वो प्रिमिटिव है, इमेच्योर है, उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनको अगर हम क्या कर दे, कॉडिफाई कर दे तो फिर क्या ही फायदा होगा। तो इसलिए जब जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा उसके बाद जर्मनी के लॉ का कॉडिफिकेशन करना सही होगा। तो इस तरह से जर्मनी के लॉज के कॉडिफिकेशन के ये अगेंस्ट तो थे बट पूरी तरीके से अगेंस्ट नहीं थे। और इस चीज के अलावा जो कॉडिफिकेशन होता है ना लॉ का, उसके लिए सेवनी का ये कहना था कि ये चीज जो लॉ का कंटिन्यूस ग्रोथ होता है
उसको हैम्पर करती है। इसलिए किसी भी कंट्री में जो लॉ है उसका कॉडिफिकेशन तब होना चाहिए जब कंट्री का जो लीगल सिस्टम है वो फुल्ली डेवलप हो जाए, उसमें पूरी तरीके से मेचोरिटी आ जाए, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तब जाके आप कॉडिफिकेशन करो। क्योंकि अगर एक बार कॉडिफिकेशन कर दिया जाता है तो जो लॉ का ग्रोथ है वो रुक जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेंडमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इंडिया है वो 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हालांकि उस टाइम पर हमारे इंडिया का जो लीगल सिस्टम था वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उस टाइम से ही स्टार्ट कर दिया हमारे इंडियन लॉस का कॉडिफिकेशन। और जैसे जैसे आगे आगे जाते जाते परिस्थितियां बदलती गई, अमेंडमेंट होते गए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 105 अमेंडमेंट हो गए, क्योंकि सोसाइटी तब से लेकर अब तक काफी हद तक बदल गई है, और उस बदलती हुई सोसाइटी के लिए लॉस को भी बदलना पड़ा। तो इस तरह से जो भी लॉस कोडिफाई किए जा चुके हैं उनमें सोसाइटी की बदलती हुई नीड्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट के प्रोसीजर के जरिए क्या किए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। और इस अमेंडमेंट के प्रोसेस को जो 70 है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिए और सीधा सीधा कह दिए कि कॉडिफिकेशन ही ना करो जब तक कि जो लीगल सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप ना हो जाए। तो ये तो था 70 के बारे में। 70 के बाद हिस्टोरिकल स्कूल के अगले एक्सपोनेंट आते हैं जॉर्ज पुश्ता, जो कि 70 के डिसाइपल भी थे। तो जो जॉर्ज पुश्ता थे, इनका ये कहना था कि ना तो अकेले स्टेट और ना ही अकेले लोग लॉ का सोर्स है, बल्कि जो लॉ है वो जनरल विल और इंडिविजुअल विल के बीच में जो कंफ्लिक्ट होता है उसको रिजोल्व करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है। तो इस तरह से जो स्टेट होता है वो क्या करता है, जैसे कि जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी फ्री विल होती है, तो उनकी फ्री विल को लिमिट करने के लिए कुछ लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब की गई होती हैं। तो इसलिए जो स्टेट है वो क्या करता है, इंडिविजुअल को उन लिमिट्स को एक्सीड करने से रोकने के लिए लॉ को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो इस तरह से ये चीज देखने को मिलती है कि जो जनरल विल होती है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर प्रायोरिटी रखती है। जनरल विल को इम्प्लीमेंट करते हुए जो स्टेट है वो ह्यूमन कंडक्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो जॉर्ज पुश्ता है उन्होंने 70 की जो थियोरीज थी उनको थोड़ा इम्प्रूव किया और उनको और ज्यादा लॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, क्योंकि जो 70 थे वो सिर्फ जोर दे रहे थे जनरल विल ऑफ द पीपल के ऊपर, जिसका वो नाम दे रहे थे। बट यहाँ पर जो जॉर्ज पुश्ता है उन्होंने लॉ के निर्माण में स्टेट और जो लोगों की जनरल विल होती है दोनों के रोल को एड्रेस किया। हिस्टोरिकल स्कूल के अगले एक्सपोनेंट है गुस्ताव ह्यूगो, जो कि 70 की तरह ही जर्मन से थे। तो जो गुस्ताव ह्यूगो थे उनका ये कहना था कि जो लॉ है वो ना तो लेजिस्लेशन से आया है और ना ही सोवरन की कमांड से आया है और ना ही उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है, बल्कि जो लॉ है वो आउटकम है, वो प्रोडक्ट है लोगों के हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस का। ऐसे हैबिट्स और ऐसे ट्रेडिशन जो कि लोगों के द्वारा बीइंग अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी वॉलेंटरली क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल के लास्ट एक्सपोनेंट आते हैं सर हेनरी जेम्स सम मैन। जितना बड़ा इनका नाम है उतना बड़ा इनका काम है, और 70 के बाद ये अगले इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। जैसे कि 70 को हम कहते हैं ना कि ये हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर हैं, वहीं अगर हम देखें कि इनके जो भी आइडियाज थे हिस्टोरिकल स्कूल के रिगार्डिंग उनको इंग्लैंड में फैलाने का काम किसने किया, तो ये काम किया था सर हेनरी मैन ने। इसलिए सर हेनरी मैन को कहा जाता है कि ये इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के फाउंडर हैं। बेसिकली इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी, जैसे कि एंशियंट लॉ, विलेज कम्युनिटीज, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेजर्टेशंस ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम। इनका जो भी रिसर्च वर्क था हिस्टोरिकल स्कूल के रिगार्डिंग उसको हम कहते हैं कि इनका स्टडी कंपैरेटिव स्टडी था। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में ही, तो ये आपके 1861 से लेकर 1869 तक इंडिया में थे। क्यों थे? क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उनकी एक काउंसिल हुआ करती थी जिनमें पहले लॉ मेंबर बने थे आपके लॉर्ड मैकॉले, फिर उनके सक्सेसर के रूप में ये इंडिया आए सर हेनरी मैन, और ये लॉ मेंबर रहे गवर्नर जनरल की काउंसिल के 1861 से लेकर 1869 तक। तो उस दौरान इन्होंने इंडिया का जो एंशियंट लॉ था उसकी स्टडी करी
और फिर इंडियन लॉज का जो भी मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज थी उनके साथ कंपैरिजन किया। और जैसा कि जो अस्टिन थे उन्होंने सोवरेनिटी की थियोरी दी थी और ये भी कहा था कि जो लॉ है वो कमांड है सोवरेन का, इस व्यू को भी जो सर हेनरी मैन थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि इन्होंने इंडिया का जो लीगल सिस्टम एक्सप्लोर किया था उस टाइम पर इन्होंने कुछ चीजें देखी जिससे इन्होंने ये चीज रियलाइज की कि पुराने टाइम पे तो कोई सोवरेन ही नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो लोगों के कंडक्ट होते थे वो गवर्न होते थे उनके खुद के रिचुअल से। और हेनरी मैन का ये भी कहना था कि अस्टिन की थियोरी जैसे कि है कि लॉ कमांड है सोवरेन का, अगर हम इसको नेगेटिव शेप दे दें तो अगर मान लो कहीं पर सोवरेन ही नहीं है तो वहां पर लॉ ही नहीं है, इसका मतलब तो यही होगा। इसलिए जो सर हेनरी मैन थे उनका ये मानना था कि जो लॉ है उसका जन्म जो आपका सोवरेन है सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट आया उससे पहले हो चुका था, जब स्टेट एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया था ना तब से लॉ है, ये कहते हैं सर हेनरी मैन। और इस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है सोवरेनिटी की वीडियो में जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगी। इन चीजों के अलावा जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की थी कि जो सेवनी थे वो लॉ के कॉडिफिकेशन के अगेंस्ट थे, वो कहते थे कि अगर लॉ का कॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा तो जो लॉ का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, इसलिए जो लॉ का कॉडिफिकेशन है वो तभी करना चाहिए जब कोई लीगल सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता है। तो ये तो था सेवनी का व्यू, बट जो हेनरी मैन थे उनका ये व्यू था कि कॉडिफिकेशन जो है वो करना चाहिए, लॉ का कॉडिफिकेशन करना चाहिए और लेजिस्लेशन करना चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में जो हेनरी मैन थे उन्होंने लॉ के डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई। तो ये जो 4 स्टेज है लॉ के डेवलपमेंट की, तो सबसे पहली जो स्टेज है उसमें आया डिवाइन लॉ, यानी कि जो पुराने टाइम पे लॉज सबसे पहले बनते थे वो डिवाइन लॉ होते थे, क्योंकि उस टाइम पर कंसीडर किया जाता था किंग को कि ये गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है और इसको अथॉरिटी मिलती है गॉड से ऑर्डर और डिसीजन वगैरह देने की। तो इसलिए जो किंग है वो क्या कर रहा है, गॉड के ऑर्डर्स को ही एग्जीक्यूट कर रहा है, और इस तरह से क्या बन रहा है, डिवाइन लॉ बन रहा है। फिर लॉ के डेवलपमेंट की जो दूसरी स्टेज आई, दूसरी स्टेज में आए कस्टमरी लॉस, यानी कि अब कोई यूसेज ट्रेडिशन हैबिट वगैरह क्या की जा रही है, यूनिफॉर्मली लगातार बार बार प्रैक्टिस की जा रही है, तो इस तरह से वो क्रिस्टलाइज होगी किसमें, कस्टमरी लॉ में, यानी कि दूसरी स्टेज में आए कस्टमरी लॉ। और कस्टमरी लॉ के बारे में सर हेनरी मैन ने वही चीज कही जो कि सामन ने भी कही थी कि ये सोसाइटी के लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखते थे जितना कि स्टेट के लिए लॉ इंपॉर्टेंट है। अब लॉ के डेवलपमेंट की जो तीसरी स्टेज आई, इस स्टेज में हुआ ये कि जो भी कस्टमरी लॉज थे वो चले गए किनके पास, प्रिस्ट के पास, यानी कि अब उनको अप्लाई करने की एनफोर्स करने की अथॉरिटी प्रिस्ट को थी, जो पुजारी वगैरह होते हैं जो रिलीजियस नेचर की माइनॉरिटीज होती है, अब वो क्या करने लग रहे थे, कस्टमरी लॉज को अप्लाई करने लग रहे थे, एनफोर्स करने लग रहे थे, क्योंकि इस स्टेज में जो ओरिजिनल लॉ मेकर्स थे, मान लो पुराने टाइम पर डिवाइन लॉ बना दिया किंग ने, उनकी इस एज में क्या हो गई, सिग्निफिकेंट खत्म हो गई, तो अब जो पुजारी लोग थे वो क्या करने लग रहे थे, कस्टमरी लॉज को एनफोर्स करने लग रहे थे, अप्लाई करने लग रहे थे। लेकिन अब आगे जो चौथी स्टेज आई लॉ के डेवलपमेंट की, इस स्टेज में ये हुआ कि लोगों को ना लिखना आ गया, और अब हुआ ये कि जो पुजारी लोग होते थे उनके हाथों से लॉ को अप्लाई करने की एनफोर्स करने की जो अथॉरिटी थी वो चले गई किनके पास, जुरिस्ट के पास और अ क्लास ऑफ लर्नर इनके पास। और इस तरह से चौथी स्टेज में स्टार्ट हो गया कॉडिफिकेशन, जो भी अर्लियर लॉज थे वो कॉडिफाई किए जाने लगे, जैसे कि एक एंशियंट हिंदू कोड सामने आया जो कि था मनुस्मृति, इसी तरह से और जो बेबीलोन एम्पायर था वहां पर आया हामराबी कोड। तो इस तरह से जो चौथी स्टेज आई, इस स्टेज में जो भी अर्लियर लॉज थे उनका कॉडिफिकेशन हो गया शुरू। तो ये 4 स्टेजेस बताई लॉ के डेवलपमेंट की कि कैसे कैसे लॉ का डेवलपमेंट हुआ। इन चीजों के अलावा सर हेनरी मैन ने ये कहा कि जो सोसाइटी होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है स्टेटिक सोसाइटी, एक होती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो जो चौथी स्टेज होती है ना लॉ के डेवलपमेंट की, जिसके तहत लॉ का कोडिफिकेशन किया जाता है, तो इस स्टेज के बाद जो स्टेटिक सोसाइटी होती है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है।
उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। बट जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है वो लीगल डेवलपमेंट के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि लीगल फिक्शन, इक्विटी, लेजिस्लेशन, इनके माध्यम से कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, ग्रो करती रहती है, डेवलप करती रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लीगल फिक्शन की, तो जो लीगल फिक्शन होता है ये वो मेथड होता है जिसके तहत क्या किया जाता है कि जैसे कि जो सोसाइटी है उसकी जरूरतें बदल रही है, उसकी जरूरतों के बदलने के साथ साथ लॉ में परिवर्तन किया जाता है। और जो परिवर्तन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि जो लेटर ऑफ लॉ है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो इससे आईपीसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। तो इस तरह से लीगल फिक्शन किया जाता है कि जो लेटर ऑफ लॉ है उसमें कोई बदलाव ना हो, बट जो सोसाइटी की नीड है वो बदल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसमें बदलाव भी हो जाए। तो इस तरह से लीगल फिक्शन को अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लीगल फिक्शन है वो लोगों की जो श्रद्धा होती है और जो लोग बदलाव के अगेंस्ट होते हैं उनकी भावनाओं को ऑफेंड नहीं करता है। लीगल डेवलपमेंट का अगला इंस्ट्रूमेंट है इक्विटी, और इसको लीगल फिक्शन से ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है। और हेनरी मैन का ये कहना है कि जो ओरिजिनल सिविल लॉ सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा होता है, उसके साथ साथ ही जो बॉडी ऑफ रूल्स जो कि डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं, वही क्या है, इक्विटी है, जो फेयरनेस पर आधारित होते हैं, गुड कंशाइंसनेस पर आधारित होते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इक्विटी में। काफी सारे प्रिंसिपल हैं, टोटल 12 प्रिंसिपल हैं इक्विटी के, और जो भी इक्विटी से रिलेटेड लॉ है उनका जो क्रिएशन है वो इसलिए ही किया गया था, जैसे कि जो कॉमन लॉ कोर्ट होती थी उसका प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिफेक्टिव होता था, उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि जो रेमेडी कॉमन लॉ कोर्ट के द्वारा दी जाती थी वो अप्रोप्रिएट नहीं होती थी, वो इनसफिशियंट होती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि रेमेडी मिलती ही नहीं थी कॉमन लॉ कोर्ट में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। तो फिर इक्विटी कोर्ट को क्या किया जाता था, विजिट किया जाता था, और इक्विटी कोर्ट फिर क्या करता था, रेमेडी प्रोवाइड करता था, और जो भी रेमेडी दी जाती थी इक्विटी कोर्ट में वो होती थी इक्विटेबल रेमेडी। तो ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, इनको सही तरीके से आपको तब समझ में आएगा जो आई बटन पर इक्विटी के रिगार्डिंग वीडियो आपको दिख रही है वो देख लोगे आप। तो बेसिकली जो इक्विटी होती है वो रिजिडिटी और इनजस्टिस को रिमूव करने में हेल्प करती है। तो ये भी एक साधन है लीगल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है आपका लेजिस्लेशन, जिसको मॉडर्न टाइम में बहुत ही भयंकर वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता है लीगल डेवलपमेंट का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है लॉ मेकिंग का। और हेनरी मैन का ये कहना है कि जो लेजिस्लेशन होता है वो न्यू लॉज के थ्रू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने का डायरेक्ट एंड सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव मेथड होता है। और जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो वाइडली ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोर्ट्स के द्वारा और लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट है लीगल डेवलपमेंट के, जो हर एक प्रोग्रेसिव कंट्री में आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को सर हेनरी मैन कहते हैं कि जो कोडिफिकेशन के बाद सोसाइटी प्रोग्रेस करती है वो इन्हीं के माध्यम से करती है, फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन के माध्यम से। तो ये हेनरी मैन के कुछ व्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। हेनरी मैन के बाद और भी कुछ एक्सपोनेंट आए थे हिस्टोरिकल स्कूल के, जैसे कि विनो ग्रेडॉफ हो गए, और इनके अलावा फ्रेडरिक पोलक नाम से भी हैं एक। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको देखना होगा तो एक बार आप बुक्स में देख लेना। यहाँ तक आपका हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस होता है खत्म। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यूरिसप्रूडेंस की अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ज्यूरिसप्रूडेंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसको कैसे खरीदना है उसके बारे में जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस की अगली वीडियो में।